हाय सभी को, जैसे मैंने बताया पहले, मेरा नाम ममता है। मैं यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ। आज एक वीडियो बनाना है, ये बना रही हूँ टिप्स के लिए जिनको पिंपल्स और एक्नी हो जाती है, और या जिनको ऑयली स्किन है, या जो फ्राइड ज़्यादा खाते हैं, या जिनको यू नो लाइक पोल्यूशन है, मिट्टी धूल जहाँ ज़्यादा उठती है, या जिनका ऑयली स्किन है, भी शुरू से ही ऑयली स्किन है, बचपन से ही यू नो ऐसे ही बॉर्न हुए हैं वो, तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं वो मैं कुछ बताना चाहती थी, थोड़ा हेल्प हो जाए शायद किसी को। हम चार भाई बहन थे, हमारे चारों भाई बहनों को मम्मी हमको हमेशा बोलती थी पहले से ही कि कभी नाखून से कुरेदने का नहीं, वो सबसे बेस्ट और आई थिंक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा तो हम सबको पता है जो हल्दी है, चने का आटा है, उस और दही घोल के हम सारा लेप लगा ले, कभी कभार लगाते थे वीक में वंस और सो, नॉट एवरी वीक दो, पर जब हमको फील हुआ कि हाँ लगाना है तो हम करते थे, मैं और मेरी बहन, कभी कभी मेरे भाई भी। चने का आटा, हल्दी और पानी या दही मिक्स करके, वार्म वाटर मिक्स करके मास्क यहाँ तक लगा लेते थे, और यू नो एल्बोज और फीट पर, तो वो धूल और ये सब निकल जाता था यू नो। और हम खासकर जो हम इंडिया का समर होता है, जो हमको पता है कि धूप कितना होता है, पसीना होता है, मिट्टी उठती है इतना, तो हम रिंस ऑफ करने का आदत बचपन से ही हमको सब भाई बहनों को डाल दिया था पेरेंट्स ने कि वो रिंस ऑफ करना है, जब भी बहुत गर्मी है और हम बाहर से आए हैं तो ये रिंस ऑफ करना है। और अगर आप बिज़ी रहते हैं सारा दिन, शायद घर पे रात को 8:30-9 बजे आते हैं, तो दिन में अगर खास कर अगर आपको फील्ड वर्क काम है, बाहर का काम है, कि बाहर आप बहुत भागा दौड़ी करते हैं, या ट्रैवल जॉब है आपका यू नो इंडिया में गर्मी में, तो कहीं भी तो एक ग्लास पानी तो कहीं से भी आपको मिल सकता है, यू नो वाटर फाउंटेंस है बहुत जगह पे, रेस्ट रूम्स है, बाथरूम्स है, वहाँ जाके आप रिंस ऑफ कर ले सकते हैं, अगर यू नो अगर आप फील्ड वर्क करते हैं तो। पर अगर आपका ऑयली स्किन है तो बिगनिंग से, तो वो है कि वीक में वंस और ट्वाइस आप चने का आटा, और वो भी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट 1 टेबल स्पून सारे जगह पे लगा लीजिए और रिंस ऑफ कर दीजिए। उसके बाद में साबुन तभी लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद में खाली पानी से रिंस ऑफ कर लीजिए आप। दूसरे दिन हम जैसे सुबह नहा लेते हैं साबुन से और वार्म वाटर से, वैसे हम नहा लेते हैं तो चलेगा, दैट इज़ फाइन। पर और बिगनिंग से ही शुरू से हेल्दी खाई यू नो फ्रेश खाना चाहिए, लेफ्ट ओवर्स नहीं खाना चाहिए, या तला हुआ कम खाना चाहिए, वो तो हम सबको पता है कि जितना फ्रेश खाओ उतना बेटर है, क्योंकि उनके फिर आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे हमको पता है। बट और थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, दैट्स अबाउट इट है आई थिंक कि दैट ये सब बातों से ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चीज़ें बेटर होने लगेगी। पर सबसे मेन थिंग ये, अगर हुआ है तो कुछ भी करके नाखून नहीं लगाना है। मेरी मम्मी बोलती थी नाखून में जहर होता है, मुझे साइंटिफिकली पता नहीं है वो सच्ची बात है कि नहीं, पर वो हमेशा बोलती थी कि बेटा उसमें जहर होता है, मुझे पता है कि ये बैड होता है, इसे स्प्रेड होता है, तो मुझे भी लगता है कि मम्मी की वो बात बराबर थी कि हम सब भाई बहनों को उसका फ़ायदा हुआ कि ज़्यादा एक्नी और पिंपल्स का झंझट डील नहीं करना पड़ा हमको, इसीलिए तो हम जस्ट थोड़ा अवेयर थे। वो है आजकल ज़्यादा मेकअप लोग लगाते हैं, पर जितना बने उतना हम मेकअप में भी, मेरी मॉम भी नहीं मानती थी, हम भी नहीं मानते हैं ज़्यादा मेकअप वेकअप करना ये सब ब्यूटी का। हाँ लिपस्टिक कभी कभार लगा ली तो ठीक बात है, लाइफ में कभी मुझे लगता है 2 ही टाइम में मुझे ब्यूटी पार्लर भी जाना है, या ब्यूटी पार्लर वाली आती है घर पर, या ब्यूटी पार्लर के पास जाना पड़े, या ज़्यादा मेकअप लगा, वो बहुत ही रेयर होता है। जो जितना बने उतना नेचुरल रखने की कोशिश करनी चाहिए, हेल्दियर लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करनी चाहिए, जितना बने उतना कम तला हुआ खाने की कोशिश करनी चाहिए, और नहीं तो अगर आपको ऑयल यूज़ करना ही है कुकिंग में तो बी केयरफुल, यू नो केयरफुल रहिए। बट बेसिकली यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि नाखून नहीं लगाना है। जब पिंपल अगर हो गया है तो लेट इट फिनिश इट साइकिल। अगर हाँ दवा लगानी है, डॉक्टर ने कुछ दिया है आपको, तो ठीक बात है, लगानी है तो लगा लीजिए, बराबर है यू नो। और नहीं तो थोड़ा अगर आपको कहीं प्रेजेंटेशन करना है और आपको लगता है कि अरे बाबा मेरे फेस पे पिंपल नहीं होना चाहिए, मैं मूवी स्टार हूँ या सीरियल में काम करती हूँ, तो ठीक बात है, उस टाइम के लिए आपको कवर करना पड़े तो ठीक बात है। आके दिन सफ करना है, मेक श्योर करना है कि कोई मेकअप का कुछ भी
फेस पे या बॉडी पे नहीं रहे. दैट्स अबाउट इट. यू नो बहुत लोग मेकअप लगाते हैं और फिर वंडर करते हैं कि अरे बाबा मुझे ये सब इतना सारा मेकअप लगाते हैं और फिर मुझे पिंपल हो गया ना, ये हो गया ना, वो हो गया. एंड दूसरी बात है कि खाली वार्म वाटर से या प्लेन वाटर से रिंस ऑफ कीजिए. आप घर में आते हैं तुरंत रिंस ऑफ कीजिए, क्योंकि उसमें धूल और पसीना रहता है हमारे बॉडी पे, तो वो निकल जाएगा. खासकर जब हम वार्म कंट्री में रहते हैं जहाँ हमारा समर बहुत स्ट्रॉन्ग, यू नो, एकदम ज़बरदस्त समर रहता है अपना, तो हम भी यहाँ समर में हमको धोना ही पड़ता है, हाथ पैर मुँह धोना ही पड़ता है, हमको रिंस ऑफ करना ही पड़ता है. यहाँ भी गर्मी बहुत होती है, जहाँ मैं रहती हूँ ठंडी भी बहुत होती है और गर्मी भी बहुत होती है, तो करना ही पड़ता है. तो दैट इज़ वन थिंग विच माइट हेल्प, जो उससे शायद हेल्प हो जाए आपको कि पिंपल और एक्ने का ये नहीं हो. पर सबसे बेस्ट तो है ईट हेल्दी, फ्रेश खाइए, अच्छा खाना खाइए. डजंट मीन कि आपको बादाम पिस्ता रोज खाना है या रोज फ्रूट और वेजिटेबल्स हर तरह का खाना है, पर एटलीस्ट थोड़ा तो फ्रेश खाने से थोड़ा चेंजेस आएगा लाइफ में. और थोड़ा तला हुआ कम खाइए, बट मेनली तो नाखून से कुरे दिया मत, नहीं तो उससे पस और स्प्रेड होता है. वैसे मेरी मम्मी बोला करती थी, आई डोंट नो कि सच्ची बात है, बट हमको काम आया, मुझे लगता है ऐसा. और बाद में तो अगर आपको ऑयली स्किन है तो आप चने का आटा है, हल्दी और गर्म पानी, या किसी को दही अच्छा लगता है डालना, किसी को नहीं अच्छा लगता है दही, मत डालिए दही. गर्म पानी, चने का आटा और हल्दी मिक्स चम्मच से मिक्स करके लगा लीजिए फेस पे 2 या 3 टाइम वीक में, और 2-3 महीनों में तो आपका स्किन बेटर, यू नो, बेटर फील करेगा. हाँ, ये पिंपल होने के बाद उसको छुए भी नहीं, अनलेस कि डॉक्टर ने कुछ दवा दी है तो ठीक बात है, पर अगर आप उसको फोड़ने की कोशिश करते रहेंगे तो स्प्रेड होने का पॉसिबिलिटी होता है. तो ट्राई टू अवॉइड दैट. मेरी मम्मी बोलती थी उसमें जहर होता है और स्प्रेड होता है. एनीवे, तो आई होप आपको जिसको भी हो रहा है, शायद ये प्रेजेंट जनरेशन और फिर आते जनरेशन को ये बात शायद काम लगे कि उसको नाखून नहीं लगाना है कुछ भी करके, क्योंकि नाखून से हमको ये सब स्प्रेड होता है. ओके, आई होप कि सबको हेल्प हो, जिनको भी चाहिए. ओके, बाय, सबको नमस्ते, बाय, टाटा.